सज्जन सच्चा पातशाह सिर शाह निशाह जिस पास बैठिया सो ही है सवना दा विसार तन तन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज इन्हां दी पावन पवित्र निकी गोद अंदर सज बैठ के सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज जी दिया असीसा प्राप्त कर रहे सत्संगी जनों अकाल पुरख वाहिगुरु जी ने कृपा की भाई गुरु नाम सिंह जी इन्हों का समुचा ही परिवार सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज जी ने जिन्होंने खुशियां का समा बख्शिश किया आ अपने सपुत्र भाई इंद्रपाल सिंह के शुभ आनंद कारजा दिन खुशियां मुख रखते हुए ये समुचे ही प्रोग्राम उलीक रहा है। आओ सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज जी ने घर की मर्यादा नवाद्या होया कुछ कहने तो पहला सतगुरु जी की बख्शिश की हुई फतेह के नाल सांझ पाईए। बख्शी फतेह अकाल दी है तुरदर गाई बाजा वाले कौम दी है झोली पाई हर मैदान फतेह नूं जो पौना चाहुंदे ओही गुरसिख गज के है फतेह बुलाउंदे बैठो सज के आखो गज के वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। मेरे तो बाद समा मेरा सीमित या 30 मिनट का समा आ संत बाबा हरपाल सिंह जी रतवाड़ी वाले ने आप सरबत संगतान गुरबाणी गुरु इतिहास के नाल जोड़ना है इस करके मैं कोई प्रसंग नहीं आरंभ कर लगा सिर्फ मैं गुरबाणी को आधार बना के कुछ विचारा आप जिया के नाल साझिया कर लगा गृहस्थ के बाबत। धन गुरु नानक साहब महाराज जिया तो पहला जो इस धरती के इतिहास को आप पढ़ते हैं तो इतने के जेडे धार्मिक लोग सन उन्होंने गृहस्थ को बड़ा पंडिया उन्होंने इतने तक कह दिता भी गृहस्थ मार गया ना जड़ा वो धर्म के रास्ते में बहुत वड्डी रुकावट आ। धन गुरु नानक साहब महाराज जो सीधा जोगियां दे कोल जांदे आ उन्होंने भी महाराज ने यही क्या कह लगे महाराज तुसी धर्मी किदा हो गए महाराज ने क्या की गल आ कह लगे तुसी तां गृहस्थी हो महाराज हसे महाराज कह लगे इहदे विच धर्मी जां ना धर्मी होने वाली कि गल आ गृहस्थ मार्ग अपना के तो धर्म की प्राप्ति छेती की जा सकती है। महाराज कह लगे गृहस्थ माड़ा नहीं गृहस्थ बड़ा चंगा आ दरअसल दे विच तुसी धर्मी नहीं हो तुसी अपनियां समाजिक जिम्मेवारियां तो भगौड़े हो गए जदों उन्होंने तसली ना होई उन्होंने फिर कहा महाराज गृहस्थ माड़ा आ गृहस्थ चंगा नहीं आ ये धर्म के रस्ते में रुकावट आ। तो गुरु नानक पातशाह कह लगे ठीक है जे तुसी कहने हो तो मैं मान लैना भी गृहस्थ माड़ा आ पर एक सवाल का जवाब देना पवेगा जे गृहस्थ माड़ा तो तुसी भी माड़े हुए तुसी कि चंगे हो गए कह लगे महाराज असी तो गृहस्थ त्यागया होया आ असी अपने परिवार छड़ के समाज को अलविदा कह के जंगलों में बैठे पए हाँ कंध मूल खाते पए हाँ। महाराज कह लगे जिहड़ियां चीज़ा छड़नियां सी तो नाल ही चक्की फिरदे आ ताइयों गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की बाणी ने भी यह गल कही कह लगे देश छोड़ परदेसियां ताया
पंच चंडाल नाले ले आया। जिन्हां चीज़ां नूं छड्डना सी उह तां नाल ही चक्की फिरदिया। ये हंकार वाली बैठे आ तुसी भी असीं धर्मी आ, असीं परिवार छड्ड दिता। महाराज ने दूसरी गल कही। महाराज कहण लगे, जे तुसी ग्रस्त नूं माड़ा कहिंदे आ तुसी सब तो माड़े हो। कह लगे महाराज किवें? महाराज जी ने कहा तुहाडा जन्म किवें आ? तुहाडे माता पिता ने ग्रस्त नूं धारण किया, तुहानूं तुहाडा जन्म आ। जिहड़े ग्रस्त तों तुहाडा जन्म हुंदा पिया आ उस ग्रस्त नूं तुसी माड़ा कहिंदे हो, उसी ग्रस्त कारण जन्म आ, फिर तुसी चंगे किद्दां हो गए? निरपुत्र हो गए। महाराज जी अगे सीस चुकिया। सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज तो पुछण लगे, महाराज फिर किवें कीता जावे? महाराज कहिंदे परिवार विच रहि, परिवार दीआं जिम्मेवारियां चुक, परिवार दीआं लोड़ां पूरियां कर, पर चित नूं उपराम रख, चित तेरा करतार दे विच होवे। सतगुरु जी ने सिद्ध गोश दी बाणी दे अंदर दो उदाहरणां दित्तियां। महाराज कहिण लगे, पहली उदाहरण दित्ती कमल दे फुल दी। महाराज कहिण लगे कमल दा फुल देखिया? कहिंदे देखिया। गुरदेव कहिण लगे, जे देखिया देखिया होणा उहनूं चिक्कड़ दे विच खिड़दा आ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪੰਖੀੜੀਆਂ ਨੂੰ ਚਿੱਕੜ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਹਾਂ। ਦੂਸਰੀ ਉਦਾਹਰਨ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਮੁਰਗਾਈ ਛੱਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਰਦੀ ਆ, ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਰਦੀ ਆ, ਵੀ ਜਦੋਂ ਉੱਡ ਕੇ ਲੰਘਦੀ ਆ ਵਾਪਸ ਆਪਣੀਆਂ ਪੰਖੜੀਆਂ ਨੂੰ ਚਿੱਕੜ ਲੱਗਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਹਾਂ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਸੇ ਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਸਿੱਖੋ। ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਮੋਹ ਦਾ ਚਿੱਕੜ, ਕਾਮ ਦਾ ਚਿੱਕੜ, ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਚਿੱਕੜ, ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਦਾ ਦਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਕਿਆ ਕਹਿੰਦੇ? ਜੈਸੇ ਜਲ ਮੈਂ ਕਮਲ ਨਿਰਾਲਮ ਮੁਰਗਾਈ ਨੇ ਸਾਣੇ, ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਭਾਵ ਸਾਗਰ ਤਰੀਏ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਬਖਾਣੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਉੱਚੀਆਂ ਰੱਖਣਾ ਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਵੇਲਾ ਆਇਆ, ਇਹ ਜੋਗੀ ਫਿਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਗ੍ਰਸਥ ਮਾੜਾ ਆ? ਲਗਾਤਾਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗ੍ਰਸਥ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਮਾੜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ, ਗ੍ਰਸਤ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਗ੍ਰਸਤੀਆਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਤਾਂ ਮੰਗ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਗ੍ਰਸਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ 100 ਗੁਣਾ ਚੰਗੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਸ਼ਰਾਬ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਦੇ ਪਏ ਆ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗ੍ਰਸਤੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਚੁੱਕਦਾ ਆ, ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਆ ਉਹ ਲੋੜਵੰਦ ਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਸ ਭੇਖੇ ਥਾਂ ਨੂੰ ਗਿਰੋ ਭਲਾ ਜਿੱਥੋਂ ਕੋ ਵਰਸਾਏ। ਇਸ ਭੇਖ ਦੇ ਨਾਲੋਂ, ਗ੍ਰਸਤ ਤਿਆਗਣ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗ੍ਰਸਤੀ ਬੜਾ ਭਲਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਕਰਦਾ ਆ। ਸਾਡੇ 10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 9 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਗ੍ਰਸਤੀ ਨੇ, ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ 8ਵੇਂ ਗੁਰਦੇਵ ਕਿਉਂਕਿ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਰ ਪਿਆਨਾ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਸਤ ਨਹੀਂ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਬਾਕੀ 9 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਗ੍ਰਸਤ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਗ੍ਰਸਤ ਨੂੰ ਬੜਾ ਵਡਿਆਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗ੍ਰਸਤ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਆ, ਵੀ ਲਓ ਕੱਲ ਨੂੰ ਭਾਈ ਇੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਸਤ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਆ। ਆਓ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਜ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰਜ ਉਲੀਕਿਆ, ਗੁਰੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ ਕੇ, ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦਾ, ਸਿੱਖ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਬੰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰੋ, ਨਾ ਡਰਾਈਵਰ ਤੋਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਵੀ ਤੇਰਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਿੰਨਾ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਵੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈ? ਬੰਦਾ ਭਰੋਸਾ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਡਰਾਈਵਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹਵਾ ਦੇ ਉੱਚਾ ਵਿੱਚ ਉੱਡਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਆ ਉਹਦੇ ਪਾਇਲਟ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕੌਣ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਨਾ ਕੋਈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਆਪ ਉਹਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਸਕਾ ਕਾਰਜ ਇਹਨੇ ਹੀ ਕੀਆ, ਮਾਨਸ ਕਿਆ ਵਿਚਾਰਾ ਰਾਮ। ਆਓ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ, ਜਿਵੇਂ ਢਾਡੀ ਜੱਤਾ ਆਪ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਜ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਹਾਲ ਸਭ ਢਾਡੀ ਜੱਥੇ ਤੋਂ ਹੈ ਇਉਂ ਸਰਬੱਤ।
दाता इस जग दा मालक सब दा राखा ते पग पालक इस जग दा मालक सब दा राखा ते पग पालक तू दाता इस जग दा मालक सब दा राखा ते पग पालक कर दियो कार्य जरा।
पातशाह महाराज जी के चरणों में अरदास रूप के ढी जत्था आप जी के चरणों में सेवा कर रहा है। कर दौ कार्य राज सतगुरु जिन्होंने गुरु के चरणों में अरदास की है, जिन्होंने गुरु के चरणों में अरदास की, जिन्होंने गुरु को अपने जीवन का आधार बना लिया, उन्होंने सतगुरु जी ने रास कार्य जिहड़े रास कर दिते ने। असी समाज में विचरदे होए भी बड़े इदां दे परिवारां नूं मिलदे रहिंदे आ जिहड़े कहिंदे भी बच्चे जां बच्ची का आनंद कार्ज रखता रहा पर पल्ले ढेला भी नहीं सी, कुछ भी नहीं सी, सिर्फ ते सिर्फ महाराज जी के चरणों में अरदास की, महाराज ने कृपा की, सानू पता ही नहीं लग्या कार्ज ने मेरे घरों चढ़ गए। जिन्होंने गुरु ने विश्वास रखिया, जिन्होंने गुरु से भरोसा रखिया, वैसे सिख जो अरदास करता है ना उसमें एक चीज़ की मांग दो बार करता है, एक विसा ते भरोसा, भरोसा ते विसा एक ही है जी। आप कहते विसा रखा ही मतलब कि भरोसा ना करी उसके उत्ते, गुरु के उत्ते भरोसा करने बाद सिख अरदास दे विच दो बार शामिल की गई है। जो भरोसा टुट जाता ना किसी चीज़ के उत्ते भी, जो किसी को भी भरोसा उठ जाए फिर वो गल बनती नहीं। इस करके महाराज ने कहा गुरु से भरोसा ना टुटन दे, जे गुरु तो भरोसा टुट गया ना फिर किसी जोगा नहीं रहना, किसी भी जोगा नहीं रहना। महाराज कह लगे इस करके भरोसा बना के रखी। सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज जी की बाणी ने मैं एक गल करके एक कविता आप जी के चरणों में कह के असं स्वागत कर लगे हैं। सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज ने जिते गृहस्थ को बड़ियाया ना उत्थे गृहस्थी दीआं जिम्मेवारियां भी दसियां, ये नहीं क्या भी गृहस्थ दीआं जिम्मेवारियां कोई नहीं, गृहस्थ दीआं जिम्मेवारियां भी आउं भी निभाउणियां पैणियां ने। अज लड़के दे विआह दे संबंध विच आपां इकट्ठे होए हां, इस करके मैं सिर्फ सतगुरु सच्चे पातशाह दी बाणी दे विचों उही गल्लां कहणियां ने जो लड़के नूं सतगुरु जी ने उपदेश दित्ता। वैसे साडे समाज दे अंदर इंडियन कल्चर दे अंदर लड़की नूं घट सिक्ख्या दित्ती जांदी है ते लड़के नूं घट सिक्ख्या दित्ती जांदी है ते लड़की नूं ज़्यादा, लड़की नूं समझाया जांदा पर गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी बाणी ने यह नहीं किया। महाराज ने कहा देख जिवें एक आगू हुंदा आ, आगू दीआं जिम्मेवारियां ज़्यादा हुंदियां, वह घर का आगू भी हो सकता जिहड़ा घर का आगू दीआं जिम्मेवारियां बाकी परिवारक मैंबरां तों ज़्यादा हुंदियां, पिंड का आगू सरपंच हो सकता जे सरपंच माड़ा हो जाए तो पिंड वाले भी उसकी गल नहीं मनणगे, जो चंगा होवे लोग उसकी सलाह लैके चलणगे। देश का प्रधानमंत्री आगू है देश का, अजो चंगा नहीं इस करके साडे किसान वीर सड़कों पर रोल रहे, आगू का चंगा होना बड़ा जरूरी है, आगू दीआं जिम्मेवारियां ज़्यादा होंदियां। महाराज कह लगे इसे ही तरीके दे नाल साडी सिख रहिण मर्यादा में एक गल लिखी गई है, जदों चार लावां का पाठ हुंदा आ लड़का चारे लावां ते अगे तुरदा आ ते अगे तुरन वाले नूं असीं आगू कहिंदे आ ते आगू दीआं जिम्मेवारियां ज़्यादा होंदियां। महाराज ने बाणी अंदर कहा, कह लगे कहां गलायो पुरुष पर वेला जो है कब्ज तू। महाराज कह लगे संसार अंदर बड़े सोहणे चेहरे दिस रहे ने पर जिथे औरत नूं इस समाज के अंदर सिखाया जाता भी पतिव्रता धर्म के पूरी नहीं, उत्थे महाराज कह लगे भलिया तू आगू बन के तुरिया, जो अपनी पत्नी तो आस करदा वह अपने जीवन के भी कमाई जो सचमुच जो जीवन का आधार बाणी बन जाती है, जो जीवन का आधार गुरु की सिक्ख्या बन जाती है फिर महाराज कह लगे जीवन के खुशियां आ जाएं फिर बधाई दे चित करता है। आओ सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज जी के चरणों में अरदास करिए, भाई साहब का आने वाला समा सतगुरु सच्चे पातशाह खुशियां भरिया लैके आन परिवार को जिम्मे ढाडी जत्था बधाई दे रहा उस वेले का हाल ढाडी जत्थे तुरे कड़ी।
मिलना बधाइया हाँ बधाइया बटे पागा बारे आज मिलन बधाइया बटे पागा बारे आज मिलन बधाइया हाँ बधाइया मेरे उस्ताद ज्ञानी शिव सिंह जी कड़ियाणा जिन्हों के ये उपराला करके सू आप सरबत संगत ने दर्शन कराए ने भावें इतने हाजिर नहीं उन्होंने कल हाजरी करनी है उन्होंने भी तह दिलों धन्यवाद करता शुकराना साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी का जिन्हों की कृपा बदौलत असी आप सरबत संगत के दर्शन दिदारे कर रहे हैं। मेरे सजे पासे ढाडी बलविंदर सिंह कालो खब्बे पासे ढाडी